Amin. Amin. सरपरस्ती की है स्टार्ट से लेकर जब भी प्रेस क्लब के कोई प्रोग्राम हुए आपने हमेशा तरजीह दी और प्रायोरिटी बेस पे हमारी आपने वेलकम की। तो मैं इस तनाजर में आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने आपको जिस इज्जत से नवाजा है, जिस मनसब पर आप फाइज हैं, और इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन हमारे आवाम को बताएँ कि आप के पास इस वक्त जो मिनिस्ट्री है वज़ीर सेहत के हवाले से ओवरऑल आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, ख़ास करके अपने हलके के अंदर आवाम को। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे तो पहले तो मैं अपने साफ़ी भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इज़्ज़त से नवाजा। जहाँ तक मेरे भाई सदर साहब ने जो है वो गुजारिश की है कि जो सारा प्रोसेस पिछला गुजरा है उसमें मेरा और आपके क्वेटा के 10 क्लब का बड़ा चोरी दामन का साथ रहा है, और मैं समझता हूँ कि आज मेरी जो भी सियासी पोजीशन और जो सियासी कदकार था उसके इजाफे में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि क्वेटा प्रेस क्लब का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है। उसमें हमारे सोशल मीडिया से लेके बाकी दीगर तमाम जितने भी मकातब फिक्र थे उन्होंने भी मुझे जो है वो ड्यू अन ड्यू सपोर्ट किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है आज अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है वो मैं सियासत में एक खास जगह पर खड़ा हुआ। मैं महसूस करता हूं कि जो इलेक्शन जीतने तक का मरहला था उसमें हम सिर्फ अगले अपने मामलात को कैरी करने के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। अब अल्लाह के फजल व करम से वो वाला जो हमारा क्वालिफाइंग सेशन था वो पूरा हो के तो बड़ी मुझे फख्र और खुशी है, इसलिए कि हमारे वादी बना के जो लोग थे मेरी शायद इतनी बड़ी ज़रूरत कोई वजारत भी नहीं थी और कोई और चीज़ भी नहीं थी, लेकिन चूंकि जिस हल्के से नुमाइंदा जीत के जाता है तो वहाँ के रहने वाले तमाम वोटर सपोर्टर्स और बाकी लोग जो है वो उसको वजीर भी देखना चाह रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो एक अच्छी वजारत जिसको मैं इसलिए कहूँगा कि अगर इसमें जितने भी मामला थे उसको हम सारों ने चूँकि जो है वो रीसेट करने का तैयार किया हुआ है, तो उस सारे मध में मैं समझूंगा कि अगर हम उस सारे में हमारी तमाम महकमा सेहत के हमारे अफसरान हमारे जितने भी मुलाजमीन हैं हम सब ने मिल के तो एक और रीजनरेशन का जो है वो चीज़ें कुछ तय की हैं, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हमें जो ये मौका दिया है इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मैं ये चाहूँगा कि जहाँ अपने महकमे को ठीक करूँ वहाँ सबसे पहली जिम्मेदारी, जैसा कि सदर साहब ने कहा कि तहसील क्वेटा के हवाले से हमारा यहाँ हल्का है इसके हवाले से, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि मैं आपको पता है कि हमारी जो हुकूमत बनते ही हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक रोड मैप जो है उसका 6 मंथ्स प्लान और फिर 2 ईयर प्लान जो है उसको अनाउंस किया था। वो जो 6 मंथ्स प्लान है उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने उस एजेंडा में जितने भी पॉइंट्स हमारे रखे गए थे उसमें तकरीबन सारे के सारे जो है वो मैं तहसील क्वेटा में उनको लागू भी करना चाहूँगा, और मैं ये कोशिश करूँगा कि क्वेटा से उसका आगाज जब हो और उसकी जब अकाउंटेबिलिटी या उसको जब तकाबली जायजे में देखा जाए तो फिर क्वेटा का नंबर जो है वो पहला आना चाहिए, और इस पर इसके ऊपर मैं भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जब हुकूमत नहीं बनती है तो वो फिर उखाड़ पछाड़ का सिलसिला शुरू होता है, तो मेरी पॉलिसी इससे अक्सर मुख्तलिफ है।
मैंने तमाम महकमे जात बल्कि अपने हेल्थ के डिपार्टमेंट समेत हमारी तहसील कुरेटा में जितने भी महकमे जाते हैं उन सब से मैंने ये कहा था कि किसी सियासी वाबस्तगी या किसी कबीले से वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर हम किसी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और उसमें एक दो चीज़ें रिपोर्ट हुई थी और वो जो चीज़ें थी उनमें मेरी चूँकि कंसर्न शामिल नहीं थी, तो इसके बावजूद भी हमने उन सारी चीज़ों को सेटल डाउन करते हुए इसी पॉलिसी को फ़रोग देने का हमारा तय है। और मैं समझता हूँ अगर किसी को ट्रांसफ़र या कोई सजा सजा का जो तय है वो कारकर्दगी के बुनियाद के ऊपर किया जाएगा, चाहे जिस मर्जी महकमे का जो है वो मामला हो। सेहत के हवाले से दो तीन चीज़ें जो है वो पहले आपको गोश गुजार कर लूँ, क्योंकि आप साफी बाइम के ज़रिए सारी चीज़ें अवाम उनास तक पहुँचती हैं। तो जो सेहत में दो बड़े मसाइल थे उनमें एक बड़ा मसला जो था वो हमारा हाजिरी का था, और हाजिरी में हमारे सेहत के जितने मुलाजमीन हैं उसमें से तकरीबन 70% हमारा जो स्टाफ है वो इंतहाई पंक्चुअल और इंतहाई वक्त के ऊपर अपना काम करने वाला था, लेकिन 30% स्टाफ जो है उसको जो हमें रिपोर्ट हुआ था कि वो जो है वो अपने फ़राइज़ की अदायगी में वो ज़रा लेट भी आते थे और कुछ नहीं भी आते थे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो तय किया है वो ये किया है कि हमारा सेहत का मुलाजम पूरे आज़ाद कश्मीर में और हमारे रियासत के तमाम महकमों में, हमारे कुरेटा की तहसील के तमाम महकमों में तमाम मुलाजमीन जो हैं वो गैर हाजिरी भी नहीं करेंगे। और वक्त से मैं नहीं चाहता कि कोई अपनी छुट्टी टाइम के बाद जो 10 मिनट भी काम करे, लेकिन इसी तरह मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मुलाजम जो है वो 1 मिनट पहले जो है वो अपने दफ्तर से गायब हो जाए। तो इस सिलसिले में जितनी मदें थीं किसी सरकारी मुलाजम को अपना दफ्तर छोड़ने की, उसके ऊपर भी हमने भरपूर लिस्टिंग कर ली है। उन कामों के ऊपर जो है वो हमने बाकायदा एक जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट तय कर लिया है। उस कोड ऑफ कंडक्ट के जो मुलाजम भी खिलाफ वर्जी कर रहा होगा तो उस सिलसिले में आप भी मॉनिटरिंग का एक बड़ा भरपूर इख्तियार रखते हैं, चूँकि आप हमारे साफी भाई हैं। आपके तमाम मशावरत, आपके तमाम फैसला जात और आपकी तमाम की गई बातें जो हैं वो हमारे महकमा जात के लिए हुक्म का दर्जा रखेंगी इसलिए। लेकिन इसमें मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये होगी कि हमारे साफी भाई समेत सिविल सोसाइटी को भी ये इख्तियार हासिल है कि वह हमारे तमाम मुलाजमीन की मॉनिटरिंग करें, लेकिन उस मॉनिटरिंग में उनको चेकिंग का इख्तियार नहीं होगा। कोई हमारा जो है वो सिविल सोसाइटी से कोई भी कैडर जो है वो जाके मुलाजमीन को चेक करने की पोजीशन में नहीं है। अलबत्ता अगर कोई मुलाजम ड्यूटी के ऊपर मौजूद नहीं है तो हमारे आप जो है वो उसको महकमे को रिपोर्ट करें, महकमा उसकी सजा और जजा का तयन 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हम ऐसा निज़ाम बना रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर अंदर आपकी जितनी शिकायत होंगी उनको इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ये हमारा जो है वो तहसील में और रियासत भर में सबसे पहला जो स्लोगन था वो यही था, डॉक्टर्स ऑन सीट। और इस सिलसिले में जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो 70% स्टाफ हमारा जो है वो पंक्चुअल भी है और वो वक्त के ऊपर काम भी करता है, लेकिन वो जो 30% उन 70% को भी बदनाम करने का सबब बने हुए थे, तो हमने ये कोशिश की है कि उन सारों को भी पंक्चुअल करें। दूसरी जो बात मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये था कि हमारी वफाकी हुकूमत के साथ और हमारे दीगर NGOs के साथ हमारे महकमे की बड़ी ज़बरदस्त कोलैबोरेशन मौजूद है। कोविड की मौजूदगी में, डेंगू की मौजूदगी में हमारा तमाम डिपार्टमेंट जो है वो हालत जंग में है, लेकिन इस सब मुश्किल के बावजूद जो है वो हमने नेगोशिएट करके इंशाल्लाह ताला हमारा जो है वो जिसमें हमारा डिपार्टमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है, हमारे भी इनपुट शामिल है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सदर रियासत और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कोशिश की वजह से हम एक बहुत बड़ा पैकेज जिसकी मकदार जो है वो शायद 1 अरब है वो हम वफाक से, क्योंकि हमारा रियासत का बजट जो है ये कोई बोझ उठाने की पोजिशन में नहीं है, तो हम वफाक से 1 अरब रुपये जो है वो बेसिक की मद में इंशाल्लाह ताला वो उसको अप्रूवल आखिरी मरहल में। और मैं आपको खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा कि इस बजट के अप्रूवल के बाद हमारी जो पूरी रियासत है उसके तमाम बड़े अस्पतालों में मशीनरी जो है वो, और मशीनरी भी लेटेस्ट जो दुनिया में जदीद तरीन मशीनरी है, उसकी इंशाल्लाह कमी किसी हॉस्पिटल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में उस पर नहीं होगी। साथ में आपने देखा होगा ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया जो बहुत बड़ी मईशत का दावेदार था और बहुत सारे उसको जो है वो मईशत का चैम्पियन समझा जाता था, तो जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज आई तो उनकी भी चीखें निकल गई। तो प्री प्लानिंग के तौर पर हमने रियासत भर में पूरी आज़ाद कश्मीर में हमने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो हैं वो पहले तो तकरीबन 4 से 5 अप्रूव हुए थे, लेकिन वो हमारी कोशिशों की वजह से, इस पर मैं अपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी खसूसी दिलचस्पी की वजह से आज मैं बड़े फ़ख्र के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट भर में हर जो हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो जनरेशन प्लांट वो लग रहा है
और उसकी मंजूरी हो चुकी है और मुजफ्फराबाद में दो लगेंगे क्योंकि वहाँ CMH भी है और एम्स हॉस्पिटल भी है तो वहाँ पे हमारे दो ऑक्सीजन प्लांट हैं दो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स वो नसब होंगे उसकी मंजूरी अलहमदिल्ला हो चुकी है। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारे तमाम अस्पतालों के तमाम बेड्स जो हैं हर बेड के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन की फरहमानी और ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो इन शाह तला मरीजों के लिए मैसर हुआ है। और सबसे जो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो चूँकि ऑक्सीजन है CCU या दीगर जितने भी हमारे कंपोनेंट्स उन सालों में ये वाला जो था इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो है वो हमने इकदाम उठाया और इस पर मैं हुकूमत पाकिस्तान का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को इंटाइटल किया। आखिर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे महकमे में तकरीबन 30% जो है वो इस वक्त वो टेक्निकल स्टाफ है और 70% हमारा जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ है। हालांकि होना ये नहीं चाहिए था, मैं तो 70-30 चाहूँगा इसलिए कि 70% टेक्निकल स्टाफ हो और 30% उसको सपोर्टिंग हो तो भी महकमा जो है वो फाल तरीके से काम कर सकता है। तो इस सिलसिले में आज के अखबार में भी आप देख लेंगे 38 डॉक्टर्स की पोस्टें पूछते हुई हैं और 38 डॉक्टर्स जो हैं वो हम सिस्टम में नए ले रहे हैं। 1200 नर्सेज हमें शॉर्ट हैं, 1200 नर्सेज की जो कमी थी वो प्रोडक्शन हमारी आज़ाद कश्मीर में सिर्फ 50 नर्सें हैं हर साल हमारी 50 नर्सिंग जो हैं वो सिस्टम में वो जो है वो फारिग होकर शामिल हो रही थी। तो पहली फुर्सत में हमने ये किया कि उस जो हमारा कोटा था उसका हमने डबल किया है और इस दफ़ा अगली क्लास जो होगी हमारी वो 100 से शुरू होगी इंशाल्लाह ताला, उसका अप्रूवल हो गया, उसकी क्लासेस भी इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा के एडमिशन 100 से शुरू होंगे। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी हम इंकरेज कर रहे हैं कि नर्सिंग जो है वो PS नर्सिंग का अगर कोई प्राइवेट सेक्टर उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसको भी तमाम तरीके की फैसिलिटेशन जो है वो मुहैया की जाएगी। आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि बेशक सेहत के हवाले से बेशुमार काम करने वाले हैं, उसमें हमारे तमाम वर्टिकल प्रोग्राम्स, उसके में दवाइयों की सिलेक्शन, उसमें दवाइयों का जो तकसीम और तरसील का तरीका का इस सालों में बेशुमार काम करने की ज़रूरत है चूँकि एक एतबार से इस महकमे में बेशुमार मामलात ऐसे हैं जिन पर असर न हो पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तो वो मैं पॉलिसी फॉर्मेशन और मेकिंग के हवाले से मैंने बड़ा क्लियर कट डिसीजन ये लिया है कि हमारा सिर्फ एक एजेंडा था कि हाजिरी मुकम्मल करनी है, साथ ही साथ मरीजों, लवाकिन, डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी और साफियों से पूछ के पॉलिसी जो है वो मुरतब की जाएगी। एक दफ़ा तमाम लोगों के मशवरे के बाद जो पॉलिसी बन जाएगी उसके ऊपर 100% इम्प्लीमेंटेशन हमारी इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। उस सिलसिले में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ज़रा सी कोताही भी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। आखिर में मैं तमाम दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि मैं चूँकि फिरटा में इलेक्शन के बाद और वजारत के बाद आप तमाम भाइयों से मुखातब नहीं हो सका था, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि आपसे बात किए बगैर अगर मैं चला जाऊँ तो शायद ये बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। आपके तमाम सवाल के जवाब भी दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको एक और मामले में इंकरेज करूंगा कि आप चूँकि यहाँ के बड़े मजबूत और बड़े ज़बरदस्त साथियों की आपकी टीम है, आप सारों को यकजा होकर जो है वो मशावरती अमल में हमें जो है वो मशवरे देने होंगे। और मैं आपको एक बात की गारंटी करता हूँ कि फैसला आप ये नहीं होगा कि कोई डिक्टेटर आके तो अपनी मर्ज़ी का फैसला कर ले, फैसला आप दलील के ऊपर होगा। अगर आप तमाम भाइयों की दलील मजबूत होगी तो फैसला आपका होगा, अगर मेरी दलील मजबूत होगी तो फैसला मेरा होगा। हमारे इंतजामी कैडर से लेकर तमाम जो लोग हैं मैंने किसी को अभी तक नहीं छेड़ा, लेकिन मैंने इनको अपने अपने मत और एतबार में टारगेट्स दे दिए हुए हैं। जो हमारा अफसर और जो हमारे लोग जो हैं वो हमारे टारगेट्स पूरे नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में फेल होंगे, वो सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ट्रांसफ़र के साथ वो कुछ और भी लेकर जाएंगे जिसकी शायद उनको अपनी अगली आने वाली ज़िंदगी में शायद वो उसको पछताएंगे कि हमने ये वाली ड्यूटीज़ जो हमें दी गई थी वो पूरी क्यों नहीं की। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त तक हमने कोशिश की है कि सियासी मद में या बरदरी मद में या किसी और मद में एक भी बंदे को डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन मैं तमाम साफी भाइयों से ये कहूँगा कि अगर फिर भी किसी जगह आपको हमारी कमी पेशी नज़र आए तो उसकी निशानदेही आपने ज़रूर करनी है और आपकी तमाम मशावरत जो है और मशावरत भी मुझे पॉजिटिव मशावरत आपकी ज़रूर दरकार होगी, जो आपके मशवरे होंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंटेशन होगी। आखिर मैं ये कहना चाहूँगा कि इरादा जो मैं रखता हूँ वो फिरटा में फौरी तौर पर हम इसमें कोऑपरेशन चाहते हैं। हमारा जो थाना है इसकी जो है वो कोई बंदा जहाँ मर्जी से चले तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं जाके फिरटा थाना में लगूँ, तो इसकी वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, इसको चौकी टाइप चीज़ जो है उसमें इसकी डिवीजन होनी चाहिए। उसके अलावा जो है मैंने बात कर ली है कि तमाम हमारे तहसील के जो जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर जदीद तरीन कैमरे लग के तो वो मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि हमारी तहसील में लोगों के दाखिले और उनके एग्ज़िट का रिकॉर्ड हो जाए, उससे हम जराइम में
80% کنٹرول لیں گے. جو سیف سٹی ہے اس کے حوالے سے میری پولیس سے انتظامیہ سے بات ہو گئی ہے, میں نے انہیں کہا ہے کہ سول سوسائٹی سے کلیبوریشن کر کے اور جو ہے وہ جتنے بھی جدید ترین کیمرے ہیں وہ پریٹا کے اندر اگر لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کرائم ریٹ ہے ویسے بھی الحمدللہ بہت کم ہے, لیکن وہ بہت زیادہ مینیمائز ہو جائے گا. منشیات کے حوالے سے کلیئر کٹ پالیسی ہے, لسٹ ٹائم میرے پاس اپنے ذاتی طور پر بن گئی ہیں. میں نے انتظامیہ کو بھی بتا دیا ہے کہ منشیات کے حوالے سے فریٹا میں زیرو ٹالرنس ہے, ہر صورت میں تمام منشیاتی جو ہیں ان کے اوپر گرا پولیس کو تنگ کرنا پڑے گا. انہوں نے کچھ اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا ہے, لیکن ان مجبوریوں کے حوالے سے میں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ چاہے جس مرضی جماعت کا بندہ ہو, چاہے جس مرضی کیڈر کا ہو, جس مرضی قبیلے کا ہو, بلا تخصیص اکراس دا بورڈ ہم منشیات کو فریٹا میں برداشت نہیں کریں گے. اور صافی بھائیوں آپ سے یہ استدعا ہے کہ جو آپ کی کرائم رپورٹنگ ہے اس کے اوپر آپ کو ذرا زیادہ توجہ دینی ہوگی, اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ان کا نیٹ ورک ہمیں دھوکہ نہ دے سکے, اس سلسلے میں آپ کی مجھے اشد مدد کی ضرورت ہوگی. اس لیے کہ جب آپ بات تمام لوگ جو ہیں وہ بھی نشاندہی کر رہے ہوں گے, باقی دیگر اداروں سے بھی ہم سپورٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں, تو فریٹا میں اس کو تبدیل کرنے میں, یہاں پہ جو ہے وہ قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسر ہم نہیں چھوڑنا چاہتے. آخر میں یہاں کی ٹریفک کے حوالے سے بڑی سخت مجھے بھی پریشانی ہے, آپ کو بھی ظاہر ہے, تو اس حوالے سے آپ کے ذریعے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے تمام جو شہری ہیں, پہلے بات تو یہ ہونا ہی چاہیے کہ اگر ہم خود از خود اپنی گاڑیاں اور اپنا موٹر سائیکل صحیح پارک کرنا شروع کر دیں تو ٹریفک کا مسئلہ از خود حل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے حوالے سے ہم نے ایک ٹھوس پالیسی بنائی ہے, میں نے ٹریفک یہ جو ہے تمام ہمارا جو پیچ ورک تھا کریٹا کا اس کو فوری طور پر مکمل کرنے کی بات ہو گئی ہے. سڑک کے اوپر لائننگ انتہائی ضروری ہے, کافی مشکل سے میں نے محکمہ کو راضی کیا کافی شور شرابہ کر کے, تو وہ لائننگ جو ہے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری لگ جائے گی. لائننگ کے بعد آپ تمام بھائیوں اور سول سوسائٹی کے ساتھ ایک میٹنگ ہوگی, اس میٹنگ میں یہ طے ہوگا کہ فلاں تاریخ کے بعد بازار کریٹا میں نہ تو کوئی موٹر سائیکل اور نہ کوئی گاڑی پارک نہیں ہوگی, چاہے وہ وزیر کی گاڑی ہو, چاہے وہ کسی صافی کی ہو, چاہے وہ کسی سول آدمی کی ہو, چاہے وہ کسی غریب کی ہو, چاہے امیر کی ہو, وہ ساری کی ساری گاڑیاں پھر تھانے میں بند ہوں گی, اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی سفارش جو ہے وہ نہ سنی جائے گی اور نہ مانی جائے گی. اس سلسلے میں آپ تمام بھائیوں کو میرے ساتھ ہماری انتظامیہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کو سامنا کرنا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ہماری جتنی بھی پالیسیز بنیں گی, میں نے جیسے پہلے عرض کی آپ صافی بھائی جو ہیں آپ کا بڑا اہم کردار ہے, آپ تمام صافی بھائیوں کے مشورے سے بنیں گی. اس سلسلے میں بھی اگر آپ ان پٹ دینا چاہیں تو آپ کے ان پٹ ہمارے لیے جو ہے وہ مشورے پر رہا ہو. آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. جناب وزیر صحت, آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی صحت کے حوالے سے, کریٹا کے مسائل, آزاد کشمیر بھر کے صحت کے حوالے سے مسائل گفتگو کی. ہم جو بنیادی آزاد کشمیر حکومت کے قیام کا مقصد جو ہے بیس کیمپ ہے, وہ تحریک آزادی کشمیر کو آگے بڑھانا تھا. اس حوالے سے الحالیہ الیکشن میں تمام جماعتوں نے کیٹاگوریکلی اپنی پالیسیز دی کہ ہم تو تقسیم کشمیر ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے, لیکن حالیہ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا جو لاہور میں بیان آیا ہے کہ گلگت بلتستان کو اگر صوبہ بنایا جائے تو اس کو تحریک آزادی کشمیر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیا یہ پالیسی تبدیل ہو رہی ہے تحریک انصاف کی جو انہوں نے الیکشن میں کہا تھا اور جو اب کہا جا رہا ہے, آپ کیا کہیں گے جناب وزیر صحت اس بارے میں؟ دیکھیے میں سلسلے میں آپ کو عمران خان صاحب کی کوٹلی میں کی گئی تقریر یاد دلانا چاہوں گا. جی میں نے بھی ہوئی, تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ اس کو پہلے جو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن دیا جائے گا کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بڑا واضح اور کلیئر کٹ یہ کہا تھا کہ اس کے بعد پھر ان کو ایک اور رائٹ ہے کہ وہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں کسی چیف ایگزیکٹو کی اس والی تقریر کے بعد پھر کشمیر کے حوالے سے تقسیم اور دیگر پالیسیز پہ میں سمجھتا ہوں کوئی گنجائش نہیں بچتی. اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے تاریخ میں کہ ہمارے جو نیشنلسٹ ہوتے تھے اور جو کشمیر کے ساتھ بہت زیادہ والیانہ جن کی محبت ہوا کرتی تھی, وہ بھی یہ مطالبہ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا کرتے تھے, اور یہ مطالبہ جو ہے وہ کھلے عام وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کچھ اور لوگوں کو شکوک و شبہات اور خطرات بھی ہوا کرتے تھے. لیکن پاکستان کے چیف ایگزیکٹو نے یہاں کوٹلی کے مقام کے اوپر کھڑے ہو کر جب یہ کہہ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد گنجائش نہیں بچتی. رہ گئی بات بیرسٹر صاحب کے حوالے سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے, تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ نقشے کی طرف اگر ہم غور کریں تو ہمارا آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, مقبوضہ کشمیر, اس سارے سنیریو میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں ڈائنامکلی کچھ چینج ہو رہی ہیں. ان چینجز کو آپ کو بھی اور مجھے بھی کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اب ریاست کے رہنے والے لوگ ہی اگر راضی ہوں تو یہ
یہ ریاست کے رہنے والے لوگوں کی جو مرضی ہوگی اس کی مرضی کے خلاف ان کو کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں وقت جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے. ناگپور صحت کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ڈسٹرکٹ کا کوارٹر میں جو مرضی ہے اس میں جو زیادہ جو فلو ہے وہ تحصیلوں میں عوام تو تحصیلوں میں اگر ایمرجنسی جنہوں کو ہوئی جو وہاں جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ تحصیلوں میں شروع ہو جائے. اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو ہمارا زیادہ تر ایریا ایل او سی کا ضلع کوٹلی میں آپ کی جو بی ایچ یو ہیں سی آر سی ہیں یا ڈسپینسری ہیں ان میں جو ظاہر بات ہے ڈی ایچ کیو میں برڈن ہے تین اضلاع کا یہ برداشت کر رہا ہے نیا آب جو پائپ لائن میں ہے اس کو بھی آپ گریڈ کر تو ان میں اگر سہولیات دی جائیں تو اس پہ برڈن کم ہو سکتا ہے. آپ کے زیادہ تر جو بی ایچ یو ہیں ضلع کوٹلی میں ان میں زچہ بچہ سینٹر نہیں ہے تو اس سے اس کا جو برڈن ہے تو اس پہ مہربانی کر کے آپ دونوں کے سوالوں کا ایک ہی جواب دوں گا کہ فی الحال جو میں اس والے آرڈر کو آرڈر سمجھتا ہوں جو آج آرڈر امپلیمنٹ ہو جائے ایسا حکم جس کے اوپر عمل نہ ہو وہ نہ تو حکم ہوتا ہے اور نہ اسے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے. ہم نے فی الحال جو آرڈر جاری کیا ہے وہ صرف جتنے ڈاکٹرز جہاں جتنے ہمارا اسٹاف جہاں موجود ہے وہاں پہ حاضر ہو جائے. جب وہ سارے حاضر ہو جائیں گے آپ کو آدھی آپ کی شکایت اسی وقت دور ہو جائے. اس کے بعد جو بات ہے کہ کون کون سی جگہ پہ کون کون سی امپرومنٹس لانی ہیں اور بیٹرمنٹس لانی ہیں اس کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے لیکن میں آپ کے سامنے وہ کام پریزنٹ کروں گا جس کے اوپر ہم نے عمل کر لیا ہے جس کے اوپر ہم پوری طرح سے تیار ہو گئے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ چیزیں فوری طور پر کے اوپر ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں. سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ تمام ہمارے اسٹاف کو حاضر کرنا ہے اور اس حاضری میں جو ہماری بریک ہے ٹی بریک اس کے حوالے سے بھی میں کافی پریشان ہوں کہ اس ٹی بریک کے حوالے سے قانون اور باقی چیزوں کو دیکھ کے تو ایک واضح سسٹم واضح ایک آرڈر ہم بنانا چاہتے ہیں چونکہ پہلے جو ہے وہ بتایا رہا میں تھوڑی سی آپ کی دوسری طرف ضرور منظور کروانا چاہوں گا کہ ایک مریض جاتا ہے ڈی ایچ کے ہاسپٹل میں چاہے زخمی میں جس مرضی جگہ چاہے وہ 11 بجے تک ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا انتظار کرتا ہے 11 بجے اس کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر چیک کر کے اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے تو 2 بجے ڈاکٹر صاحب اٹھ جاتے ہیں تو وہ پھر پرائیویٹ ہاسپٹل جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہاں پھر مریض کو جا کے ان کو فیس ان کی پے کر کے تو اپنے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک دن اور ایک رات میں ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. سب سے پہلے جو ہم نے جو ہے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ سب لوگوں کو اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھنا ہوگا اس کی اس کو کافی سوچ سمجھ کے اور اس پہ کافی سارے لوگوں سے مشاورت کے بعد یہ کیا. یہ جب امپلیمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اور اس امپلیمنٹیشن میں آپ کو بتاؤں کہ مظفر آباد میں جتنی تنظیموں کوٹلی میں جتنی تنظیموں اور میرپور میں جتنی تنظیموں نے میرے ساتھ رابطہ کیا جو ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے ان سب کو میں نے صاف جواب دیا تھا کہ جب تک حاضری 100% نہیں ہوگی کسی کا کوئی مطالبہ انٹیکٹ نہیں ہوگا. یہ مکمل ہونے کے بعد اگلا جو اسٹیپ ہے اس میں آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے اچھے ہمارے پاس آئیڈیاز موجود ہیں. آپ کو میں شکر ہوں کہ آپ نے یہ والے آئیڈیاز دیے ان شاء اللہ امپلیمنٹیشن. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں یہ صحت کے حوالے کے علاوہ اور کیا یہ جو مالا ہاسپٹل ہے یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی ضروریات پوری کرتا ہے اس میں کیا کمی ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ کہ عزیز فیلٹر جو ٹیسٹ ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اتنی بڑی بلڈنگ کیا یہ حکومت اس کو اپنے کسی کام میں لا سکتی ہے؟ بلکہ آفر بھی کر دیا اقبال سکندر صاحب نے آپ کو. دیکھیے میں مشکور ہوں آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا. اس میں پہلی گزارش میری یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ صحت کے حوالے سے ہماری پالیسی کیا ہے تو اگین میرا وہی جواب ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اسٹاف کو حاضر کرنا چاہتے ہیں. حاضری سے ہمارے مجھے یقین ہے کہ نصف ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہماری تحصیل ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا تو یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. یہاں ہمارے ساتھ ایک یہ سمجھ لیں کہ یہ محکمہ اور عوام دونوں کے ساتھ ایک قسم کا مذاق اور یہ جو مذاق تھا اس مذاق کو میں کوئی زیادہ کوئی اس پہ انکرج نہیں کروں گا کہ یہ کوئی بہت زیادہ اچھا یہاں کام ہوا ہے. دیکھیے پہلے ضروریات اور سہولیات میسر کرانی چاہیے اس کے بعد اعلانات ہونے چاہیے. یہ ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اعلانات پہلے ہو جاتے ہیں اور باقی معاملات جو ہے وہ چیزیں بعد میں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. یہ ابھی تک بی ایچ ہوئی ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ بی ایچ ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے میں جو ہاسپٹل کا ہمارا 50 بیڈ یہاں منظوری تھی اس کے حوالے سے بلڈنگ کی منظوری تھی میں مجھے یہاں کہا گیا تھا کہ ہاسپٹل ہمارا منظور ہو گیا ہوا ہے ٹی پی میں پیسے بھی رکھ دیے گئے ہیں اور سب کچھ ہو گیا ہوا ہے لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں
कि सिर्फ जमीन कितनी हमारे पास फारिग है इसका एक नक्शा वहां मैंने मुजफ्फराबाद पड़े हुए देखा इसके अलावा तो हॉस्पिटल के नक्शे के वाले से या बाकी किसी मद में या किसी ने पैसे रखने की कोई तौफीक किसी को हुई हो ये सब झूठ बात है इसमें कोई जो है वो सदाकत नहीं है अब जितना भी काम हो रहा है वो असर ना हो रहा और आपने शायद आपके नोटिस में होगा कि मैंने एक्सिन साहब को बड़ा जो है वो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे दो दिनों के अंदर अंदर जो है वो इस हॉस्पिटल का नक्शा अप्रूव करके दें बना के दें अप्रूव मैं कोशिश करूँगा कि उसको मुजफ्फराबाद से खुद करवा लूँ साथ ही लगे तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे यहाँ वाटर सप्लाई की बड़ी मैंने धूम सुनी थी कि यहाँ पर ग्रेटर वाटर सप्लाई आ रही है ये आ रही है उस सिलसिले में भी जीरो काम हुआ है असर ना हो हमारा जो मुजफ्फराबाद से डिपार्टमेंट्स को मैंने एक्टिवेट किया और नए सिरे से जगहों के आइडेंटिफिकेशन और बाकी मामला का काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला अब आपको काम होता हुआ नजर आएगा साथ ही साथ यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से यहाँ मसला यह कि हर कोई ज़रा क्रेडिटिंग के चक्कर में ज़्यादा पड़ जाता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से जो यहाँ नक्शा बना हुआ था आप अगर उसको देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये किसने बनाया और जो दूसरे यहाँ पे काफ़ी सारी और चीज़ें थी वो भी आप जब नोट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ किस एतबार और किस मद में काम होना चाहिए था ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको ये पता लग सके कि किस फेज से हम शुरू कर रहे हैं तो जो आपने सेहत के हवाले से बात किया था वो जो एक अरब वाली बात मैंने आपको बताई है ये पूरे आज़ाद कश्मीर की तमाम मशीनरी के लिए काफ़ी अहम है ये अच्छी खासी सोच समझ के ये रकम डिमांड की गई है इंशाल्लाह ताला मंजूर भी होगी और आपके सामने जिस दिन मंजूरी हमारी सारी मुकम्मल हो जाती है तो मैं डॉक्यूमेंट समेत आपके सामने इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें दो तीन जगहों पर काम करने की ज़रूरत है एक मुझे काम करना है एक आपकी जिम्मेदारी है और एक फिर हमारी जो है वो सिविल हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसकी भी एक जिम्मेदारी है इस सिलसिले में मैं लग गया था आपको ये बता दूँ कि हमने एक और बात के ऊपर भी मैंने बड़ा सख्ती से नोटिस लिया कि हमारे जो सिविल सोसाइटी है उनका कोई मरीज़ जो है वो खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई जो है वो कोई उसकी शिकायत होती है या कई दफ़ा डेथ्स हो जाती हैं तो लोग जो है उठ के डॉक्टर्स के पीछे लग जाते हैं और वो फैशन बन गया जी कि डॉक्टर को इस पर ज़्यादा गौर किया जाए कि हमारा मरीज़ जो है वो कहीं ठीक हुआ और उसको ज़िंदगी क्यों नहीं मिली और ये तो मैं इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी को बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी हमारे सिविल सोसाइटी के फ़र्द को ये इजाज़त नहीं है कि वो महकमे के बंदे को हाथ पे लगाए उस सिलसिले में अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो महकमे को शिकायत करेगा उसकी शिकायत मैं गारंटी करता हूँ कि एक से दो दिनों के अंदर अंदर रिजॉल्व होगी लेकिन हम जो है मैं एक बहुत वाक़े पर मैं बड़ा आज भी दुखी हूँ कि मीरपुर हॉस्पिटल में हमारी एक खातून डॉक्टर थी उसके साथ जो है वो दरवाज़ा तोड़ के तशद्दुद किया गया और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ ना तो इंतज़ामिया ने और ना हमारी जो है वो जो देश की इंतज़ामिया थी उसने किसी ने उसको तो ऐसा इजी ले रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं तो इस पर नए सिरे से मैंने इंक्वायरीज आज साहब से भी मैंने बात की सिटी साहब सब से भी मैंने बात की मैंने कहा जी इस पर कोई टॉलरेंस नहीं है इसलिए कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो अगर कोई गलती करता है या कोई ज्यादा भी करता है तो उसको पूछने का उसको सजा देने का अख्तियार महकमे के पास है हमारे आम शहरियों के पास नहीं है तो ये थोड़ी सी मैं आप तमाम भाइयों के जरिए अपनी आवाम को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इस वाले काम में दखल नहीं देना ना इस वाले काम को आपने प्रोसीड करना है अगर किसी डॉक्टर की किसी पैरामेडिकल स्टाफ की या किसी भी दीगर महकमे के किसी बंदे की कोई गलती है तो आप मुतलका मतलब जो मैं मौजूद हूँ बाकी हमारा महकमा मौजूद है तो आप उसकी कंप्लेन करें आपको गारंटी करता हूँ कि कंप्लेन जो है वो दो दिन जी अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूंगा आपको कि देखिए इस ट्रस्ट के जो हमारे चेयरमैन हैं वो अजीज़ साहब के साहबजादे निसार साहब हैं अगर निसार साहब जो है अपने इकबाल सिकंदर साहब जो हमारे बहुत ही मोहतरम भाई बुज़ुर्ग हैं उनके ज़रिए या किसी हमारे और दोस्तों के ज़रिए अगर वो राज़ी हैं तो यहाँ पर दो से तीन काम हो सकते हैं इस हॉस्पिटल को इमीजिएटली सिविल हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जा सकता है और वो सिविल हॉस्पिटल में कोशिश करूंगा कि आज़ाद कश्मीर का सबसे हाई स्टैंडर्ड सिविल हॉस्पिटल यहाँ बने उसके लिए अगर वो राज़ी हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है उन्होंने एक इंटरव्यू में आपको ऑफर कर दिया कि आप नहीं थोड़ा सा बात समझना मैं भैया थोड़ा सा आप इसको अगर समझ लें कि इकबाल सिकंदर साहब मैं और बाकी तमाम लोग जो हैं हम फैसला करने की का इख्तियार नहीं रखते चेयरमैन ट्रस्ट का इख्तियार चेयरमैन ट्रस्ट रखते हैं अगर चेयरमैन ट्रस्ट हमें ये सारी चीज़ जो है वो हमारे साथ कोई MOU साइन कर लें हमें कोई जो है वो कोई अंदिया दे दें हमें कोई गारंटी कर दें कि ठीक है जी मैं इस हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल बनवाने में मैं राजी हूँ सिर्फ वो इतना कह दें बाकी काम हम कर देंगे डॉक्टर साहब जनाब वजीर से तो ये इससे पहले MOU से वो इनकार कर चुके हैं बाकायदा MOU उनके कहने पर तैयार हुआ था यहाँ पे GOC जेलम मेजर जनरल सज्जाद रसूल साहब आए थे बाकायदा MOU साइन हुआ था साइन ही वो तैयार हुआ था और जब इंग्लैंड गया तो निसार साहब ने वो
इनकार कर दिया था, ये पहले उन्होंने जो है ना वो इनकार। ये आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मेरी इकबाल खान साहब की बाकी हमारे दोस्तों की नीयत कुछ और है। नसार साहब जो हैं वो बहुत अच्छे हमारे मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन वो चूंकि यहाँ मौजूद नहीं है, वो इंग्लैंड से दो चार दिनों के लिए बड़ी मुश्किल से यहाँ आते हैं, वो यहाँ के मसायल और यहाँ के हालात से वाकिफ नहीं है। अगर वो कोई भी बंदा, इकबाल सिकंदर साहब तो हमारे भाई हैं, कोई भी शख्स जो दालवी साहब और उसका बात कर नहीं, वो उस पर बात करने का मामला सिर्फ इस मत और एतबार में इसलिए आता है कि देखिए अजीज साहब का इस हॉस्पिटल को बनाने और चलाने के हवाले से एक अलग विजन था। हमारे डॉक्टर साहब के हवाले से जो बात आपने की है तो उन्होंने ये भी कहा था, आप सारे साफी भाई भी शायद मौजूद होंगे, कि हमें सिर्फ इख्तियार दे दिया जाए तो अजीज साहब के विजन के मुताबिक इस अस्पताल को चलाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल सिकंदर साहब ने बात की है, मैं उनसे मिला भी हूँ और मैंने भी उन्हें ये कहा है कि जो है वो आप सारे अरबाब इख्तियार जो हैं वो अगर बैठ के तो इस हॉस्पिटल को जो है वो यहाँ पे जो हो सकती हैं चीज़ें वो मैं आपको एक्सपेक्टेड पोजीशंस बता देता हूँ, इस पर आपके ज़रिए भी जो बात चलनी चाहे तो मैं उसको इनक्रेज करूँगा। वो सीधी सीधी बात है कि सिविल हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जा सकता है, सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ इसको टीचिंग हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ये दोनों बातें भी पसंद नहीं है तो जो डेंटल कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेज तो अब हमें आज़ाद कश्मीर में डिमांड करना भी शायद थोड़ा सा फजूल होगा, तो डेंटल कॉलेज के लिए बता यहाँ पे कुछ की जा सकती है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज जो है उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है, चूँकि 1200 नर्सेज और सिस्टम में आज हमें शॉर्ट है, 1200 नर्सेज की आज की तारीख में हमें ज़रूरत है। प्रोडक्शन हमारी जैसे मैंने आपको बताया 50 थी, अब हमने 100 कर ली है, तो ये वो इस माध में चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन बात वहीं पर आके ख़त्म होगी कि जो हमारे चेयरमैन हैं और जो हमारे मेम्बर हैं ट्रस्टी के, वो मेम्बरान जो हैं वो क्या चाहते हैं। अगर वो हुकूमत से कोई मदद लेना चाहते हैं तो आपका ये भाई उनकी खिदमत के लिए आज़ाद है, जो वो कहेंगे इंशाल्लाह ताला। आखिरी सवाल में नए वज़ीर बने हैं, एक पूरा फ्लो है जिन लोगों ने आपको वोट दिए, बड़ी तकवात है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, काम में इतनी जल्दी के पीछे पीछे पूरा लश्कर उनके लिए क्या पैगाम है? एक बड़ा मसला है, यहाँ फायर ब्रिगेडिंग गाड़ी का बहुत मसला है, ये जो टाउन कमेटी से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जा रही है ना, ये आपके उन तमाम मसले का और हम साथ मिल के आपको इसमें रुकावटें भी आएंगी, ये मैं आपको बता दूँ और मुझे रुकावटों का अंदाज़ा है, मेरे हमारे ज़ेर असर जितनी रुकावटें होंगी उनको मैं दूर करूँगा, उनको मैं इलाज करूँगा उसका, आपके ज़ेर असर हम करेंगे जी आपसे। डॉक्टर साहब एक पानी का जो मसला है कोटा में उसके लिए आपने वो जो कह रहे हैं अभी फौरी तौर पर वज़ारत सेहत से कुछ रिलेटेड NGOs हैं तो यहाँ वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स का कुछ ऐसी जगहों पे हो जाए जी, एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो है जी ऑलरेडी जो है वो लग चुका है हॉस्पिटल के गेट के बाहर, एक इधर लगा हुआ वो रद्द करने की जरूरत है उसकी, ये टंकी के साथ ही लगा हुआ है। अच्छा, अगर वहाँ कोई रनिंग में प्रॉब्लम है तो आप जरूर इंडिकेट कीजिएगा, उस पर भी बात करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। सबसे बड़ा मसला बरकियात का है, बाबडा पे महकमा बरकियात वाले जो लोड शेडिंग करते हैं गैर अलग, एक हमें गोली दी गई कि एक्सप्रेस फीडर खुलेटे का चल रहा है, हमें आज तक नहीं पता चला कुछ चला भी है कि नहीं चला गया, महके वाले हमसे झूठ बोलते रहे हैं, लेकिन गैर नानियाँ लोड शेडिंग करते हैं खुलेटा महकमा बरकियात वाले 10-11 बजे के बाद यहाँ कोई बंदा जो है ये खुलेटा में मुलाजम नहीं होता महकमा बरकियात का, यहाँ नाइट ड्यूटी भी होनी चाहिए, खुलेटा सिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है इमीडिएट उसको हल करने के लिए यहाँ महकमे का बंदा होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इसके साथ जो साइड के फीडर्स हैं वो रात को बंद होते हैं, साइडों पे जो है ना शहर को तो फिर बेहतर है, मैं थोड़ा सा आपको इस पर और बिलिंग भी जो है ना वो बहुत ज्यादा आ रही है, सारी चीजें आपको एक ट्रांसफार्मर लग रहा था कि वो भी उठा के लेंगे। वाले से आपको सारी समरी दे देता हूँ 2-3-4-5। देखिए जब मैं वजारत का लफ लिया उसके फौरन बाद 3 काम, एक काम यह हुआ कि मेरे नोटिस में यह आया कि आज की तारीख में 10 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो आज भी लोगों के घरों में पड़े हुए जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दौरान दिए गए। मैं चूंकि यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं एक एक घर को जानता हूँ, जिन जिन घरों में वो पड़े हुए हैं वहाँ से मुझे वोटों की तादाद कितनी आई है, बाकी में कितनी गई है, वो मैं समझ सकता हूँ। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि कौन कौन से अफसर हैं इस बदयंती में वो साथी थे, और मैं ये भी आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि मैंने वाजह पैगाम महकमों को दे दिया है कि अब के बाद
कोई ट्रांसफार्मर किसी के घर नहीं जाया करेगा। महकमे की जरूरत है, महकमे की जो जरूरत है उसकी आइडेंटिफिकेशन महकमे ने करनी होती है कि फलां जगह पर ट्रांसफार्मर की जरूरत है, उस मद में काम होना चाहिए। ये रिवाज जो है ये सिरे से गलत है कि बंदा उठा के ट्रांसफार्मर अपने घर ले जाए और घर रख के उसके ऊपर बैठ जाए जी ये मैं इसकी मलकियत है। वो जो नॉम है उस पर मैंने महकमे को वाजिया तैयार दी है कि आप उनके नॉन ट्रांसफार्मर से उनकी आइडेंटिफिकेशन लें और आप ये चेक करें कि वो जिस जगह पड़े हुए हैं वहाँ जरूरत भी है या नहीं है। तो अगर जरूरत नहीं है तो वो वापस आके महकमे के दफ्तर में होने चाहिए, किसी के घर में नहीं होने चाहिए। दूसरी ये कि ये जो इलेक्शन का शेड्यूल के ऐलान के फौरन बाद जो मामला था, उस सारे मामले में भी जितनी उस मद में जितनी चीज़ें गलत तकसीम और तरसील हुई हैं उसके ऊपर भी मैंने इनसे कहा था कि आप इंटरनल ऑडिट कर लें और एक कमेटी बना लें। तो इसके ऊपर मेरा महकमे के साथ एक एक आप समझते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड एक माह तय हो गया। उन्होंने कहा जी कि हम अगले मामले में कोई कोताही नहीं करेंगे तो उस पिछले वाले मामले को ना छेड़ा जाए। मैंने खुले दिल के साथ ये बात भी कही है, लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि जितने हमारे लाइनमैन थे उनको हमने कन्वर्ट कर लिया था मीटर रीडरशिप, ये पिछले इस माह सारों के लिए हमने प्रॉपर कानून दिया है इनको कि आप उन सारों को लाइन की तरफ लेके आए ताकि ये लाइनें चेक हों। यहाँ पे काम करने वाले लोग थे उनकी वही कमी गई थी। आपको मुझे इस मामले में एक से दो हफ्ते का वक्त देते हैं, ट्रांसफार्मर्स के हवाले से भी मामला जो है काफ़ी हद तक हमने कर लिए हैं। तो आपको लोड शेडिंग के हवाले से जो आपकी शिकायत हैं ये महकमा पहले बताया करेगा कि फलां से फलां टाइम तक पॉलिसी बनाता है क्या करना है इनको पता ही नहीं है। एक एक्सीम मुजफ्फराबाद से आए थे काजी साहब, उसको नकार के साय लिया कि वो एतवार को भी यहाँ बैठा रहता है। उसने एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया, अगर यहाँ 200 100 का 50 का ट्रांसफार्मर रोड किस तरह तकसीम करना है, अगर वो 5-6 माह रह जाता तो ये हमारा सारा मामला हल हो जाता। इस तरह अगर कोई बंदा जहाँ आ जाए ये पूरे महकमे को, आपने तो एक्सीम से बात करनी है, आपने उस अथॉरिटी से वो जिम्मेदार है, अगर आप खुद जाके लोगों के मीटर चेक करेंगे तो बात नहीं बनेगी या मीटर ही जो बनेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है उस जैसा बंदा यहाँ लाया जाए। बाकी आप ये सारे लोग बैठ करना है किया था क्या, आप इन लोगों के लिए क्या लेकर ये बताएं पी आर ओ आप कौन सा बंदा ला रहे हैं वो जो की तो उसी तरह काम करेगी। जहाँ तक पी आर ओ शेफ का तल्लक है तो पी आर ओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, मेरे तमाम दोस्त पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं और सारे के सारे दादा से फीडबैक आ रहा है कि शेरी में बहुत ज्यादा होती है, अगर हम उन बंदे की आप जो उस बंदे की बात आप तक ना पहुंचाए तो वो नाराज हो जाएंगे। शेरी पे मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूं जी, एक पूरा दिन वहां पे जो लोड शेडिंग हुई थी मैंने जायजा इजलास में तमाम महकमे को वहां बुलाया और मैंने उन्हें सख्ती से हिदायत दी है कि किसी जगह भी आप जो है वो बगैर बताए और इमरजेंसी जो लोड शेडिंग है उसकी वजह रिक्वायर के 30,000 का लेते हैं ठीक करने के लिए। जब मीटर हीटर में जब डॉक्टर साहब मेरा भी एक सवाल है ऐसे लेते हैं जी, इंस्पेक्शन आपको कहते हैं। डॉक्टर साहब मेरा भी एक सवाल है, मैं जैसे कि अभी भी दरिया से नहा के आए हो तैराकी करता हूँ स्विमिंग, उधर मेरे साथ और बहुत से भी लड़के आते हैं कहते हैं हम आपने वोट दिया हुआ है, हमने आपको पहले भी बताया था कि नाला बांध में कितना गंद फेंकते हैं, इधर ऊपर से पूरे बाजार का गंद जाता है, तो आपने इसके बारे में क्या किया हुआ है। फिर बाजार में वेल्डिंग वाले पेंटिंग वाले कितना केमिकल उठता, मैंने पहले भी यही रेज किया था, तो इस पे आपसे तो कुछ ही है उसके हिसाब के लिए। मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर, देखिए जगह आइडेंटिफाई हो गई है जहाँ पे हमारा तमाम वेस्ट का डिस्पोजल जो है सॉलिड वेस्ट वहाँ पे जाया करेगा, वो जगह भी बन गई है, उसके ऊपर जो है उसको जलाने और बाकी मामला के ऊपर भी बातचीत हो गई है, उस पर जदीद मशीनरी भी इंशाल्लाह ताला मंगवा रहे हैं इंस्टॉल होगी, उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन उस पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन जो करने वाला काम है इसमें दो काम है, एक काम है महकमे का, महकमे के साथ साथ एक हमारा सिविल सोसाइटी का भी काम है। आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके खिलाफ इंशाल्लाह ताला सबसे सख्त कार्रवाई करने में भी कोई आरोप नहीं है। ये पानी गंदा करते हैं ये लोग, पीते हैं कुछ लोग या एक पुलिस वाला खड़ा हो जाए चलो उनसे बात हो गई है, उन्होंने दो हफ्तों का वक्त दिया था, मैंने उन्हें ये कहा था कि
پراپر نظام وضع کر دینا چاہیے کہ کتنے لوگ آپ روزانہ کی بنیاد پر پشتانتی کارڈ بنائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں اقوام والا سے بھی بات کرنی پڑے گی. انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو اچھا اثر. سر اس میں یہ ہے نا کہ وہ جو سٹاف ہے نا سٹاف کی کمی ہے, ابھی بھی 50 کر رہے ہیں کیونکہ ابھی جو انہوں نے ٹریننگ چھوڑی اور نگیال والے ان سے کام لے رہے ہیں, لیکن یہاں کا سٹاف جو ایکچوئل ہے وہ کم ہے. اس پہ اوپر بات کریں تاکہ سٹاف زیادہ ہوگا تو کام ہوتا ہے.